पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के मामले में बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री बृजबिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में मामले में दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर करने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला की अर्जी खारिज कर दी। दरअसल 13 जून 1998 को पटना के IGMS में बिहार सरकार के मंत्री रहे बृजबिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और CBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इसके बाद इसी महीने 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। दरअसल 13 जून 1998 को जब बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी, तब वो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जा रहे थे। वहीं इस मामले में सूरज भान सिंह और राजन तिवारी समेत अन्य को अदालत ने बरी कर दिया है। बहरहाल राहत की उम्मीद लिए बैठे मुन्ना शुक्ला के लिए ये बड़ा झटका है और मुन्ना शुक्ला को सरेंडर करना है। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।